दोनों चाहते, अगर चाहते हो लाल बत्ती हटानी है, हमने क्या कह रहे हैं, मुख्यमंत्री की लाल बत्ती हटा रहे हैं ना, तो नेता प्रतिपक्ष की भी हटा लो, बोलो दिल्ली राज्य में कोई लाल बत्ती नहीं होगी, दिल्ली राज्य में कोई सिक्योरिटी नहीं होगी मंत्रियों के लिए, विधायकों के लिए, आप करवा दो। अब आपका क्या कदम है अगला, आप क्या रणनीति है? हम दिल्ली की जनता ने हमें भेजा है, हम दिल्ली की जनता के सामने इन दोनों पार्टियों के इस छद्म को बाहर रख रहे हैं कि ये समर्थन विरोध के नाम पे क्या नौटंकी कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि किस तरह हम बताएं कि देखो देखो आम पार्टी सत्ता की लोभी थी, देखो देखो तो कांग्रेस आपको समर्थन दे रही है तो आपको दिक्कत क्या है लेने में, आप सरकार बनाइए। अभी तो ये कह रहे हैं कि जिन मुद्दों पर हम समर्थन मांग रहे हैं वो हाँ कर दो, हम मना लेते। लेकिन आपने जो 18 शर्तें रखी हैं, 2 उसमें से छोड़ दी जाएं, वो केंद्र सरकार के अधीन है, बाकी 2 शर्तें जो हैं, जो आप पूर्ण राज्य के दर्जे की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार में कौन है? नहीं, केंद्र सरकार में बाकी जो 16 शर्तें हैं, बाकी जो 16 शर्तें हैं वो कैबिनेट के अधीन होते हैं, आप सरकार बनाइए, उसके बाद जो है आप कैबिनेट से अप्रूव कराइए, उसमें कर देना, इसमें क्या बात है, वो अभी हाँ कर दे, क्या बना लीजिए आप, बिजली बिल की कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हाँ हम सहमत है कराइए, लिख दें आप लाल बत्ती हटाएंगे सबकी, हाँ हम सहमत है हटाइए, वो कहे कि आप अनाधिकृत कॉलोनी को एक दिन में अधिकृत करेंगे, हाँ हम सहमत है हटाइए, लिख के दे दें। और जो दो शर्तें आप कह रहे हैं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना, वो कौन देगा? कांग्रेस, सदन चल रहा है, 20 तारीख से सदन है, कह दे कि हाँ हम कांग्रेस ना, इसीलिए हमने हर्षवर्धन जी को पत्र नहीं लिखा, इसलिए हमने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस को पत्र नहीं लिखा, हमने शीला दीक्षित को नहीं लिखा, हमने सोनिया गांधी और राजनाथ सिंह को लिखा कि तुम दोनों सदन में बैठे हो, दोनों नेताओं बताओ भैया तैयार हो कि नहीं हो। पहली बार देश में पिछले इतने साल बाद समझौता गठबंधन होगा तो पावर पर नहीं होगा, प्रिंसिपल पर होगा। हम पावर छोड़ सकते हैं, प्रिंसिपल नहीं छोड़ सकते। इन दोनों पार्टियों का जुगाड़ ये रहता है, पावर ले लो, प्रिंसिपल कहीं भाड़ में गया। हमने राम मंदिर पे सरकार बनाएंगे, राम मंदिर में बनाएंगे, बाद में कॉमन मिनिमम एजेंडा बन गया, राम मंदिर अभी नहीं रखेंगे, बाहर रखेंगे। 370 पे सरकार बनाएंगे पर 270 ही नहीं जुट रहे थे, चलो 270 को बाहर रख देते। नहीं, लेकिन अब आप लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? कैन पार्टियों के जो आपने पत्र दिखे हैं, अगर वो नहीं मानते तो आपका क्या कदम रहेगा? हमारा क्या कदम रहता है? वो तो राज्यपाल महोदय का कदम रहेगा, हमें देश को बता पाएंगे, देश जान पाएगा कि छद में झूठे हैं।